दसवीं क्लास की अध्याय पांच अंकगणित लड़ियां की अभ्यास 5.2 का 12वां सवाल करने जा रहे हैं, जिस विच कहा गया कि दो अंकगणित लड़ियां का सांझा अंतर बराबर है। उन लड़ियां का सांझा अंतर बराबर है पर पहली रकम थोड़ा बराबर होगी। तो जेकर उन्होंने 100वें पदा का अंतर 100 है तो 1000वें पदा का अंतर पता करो। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, इफ द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज 100 दैन वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। आपां मान लिया कि पहली रकम जी ए वन होंगी है, तो दूजी दो लड़ी है ना साढ़े को, पहली लड़ी की फस्ट टर्म ए वन, दूजी लड़ी की फस्ट टर्म वड्डी ए करती, तो डी दोनों का सांझा अंतर बराबर है, इस करके डी मान लिया। इंग्लिश में लिखे ए वन तो ए आर द फस्ट टर्म्स एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। हूँ 100वें पदा का अंतर करना है, पहले पहली लड़ी की गल करते हैं। 100वें पद का फार्मूला ए जमा 99 डी, तो ये आया ए वन जमा 99 डी, यदा क्या होगा ए जमा 99 डी। देखो ए वन जमा 99 डी ये आ गया थोड़े को, ए वन जमा 99 डी माइनस ए जमा 99 डी। तो 100वें पद पहली लड़ी का, 100वां पद दूजी लड़ी का, उन्होंने अंतर 100 दिता गया सी, माइनस ने साइन चेंज किया, 99 डी कट गए, ए वन माइनस ए का मुल आ गया 100। हूँ 1000वें पद का अंतर कटना सी, तो फर्क की है 1000वां पद की होएगा, ए वन जमा 999 डी, ए जमा 999 डी। हूँ जो ब्रैकेट ओपन की 999 डी कटे गए, फिर दोबारा ए वन माइनस ए आ गया, जो कि पहले आप 100 के बराबर कट चुके से, मतलब 100वें पदा का अंतर जो होया वही 1000वें पदा का अंतर होगा। अगला सवाल देखो बेटा, तीन अंकों वाली किनिया संख्यावान 7 नाल भागयोग हैं। देखो तीन अंकों वाली संख्यावान शुरू कितों होंगे ने, संख्यावान शुरू होंगे ने 100 तो, खत्म होंगे 999 से, इस गल का ध्यान रखना बेटा। हूँ असं देखना कि 100 तो बाद 7 पड़े से कड़ा अखर आता है, तो 999 तो पहला 7 के पड़े से कड़ा अखर आता है, इसलिए असं दोनों 7 नाल भाग करांगे बेटा। देखो बेटा भाग हो गई है, भाग करन तो बाद इस गल का ध्यान रखना है तुसीं कि जो भी तुहाडे कोल बाकी आया है उस बाकी नूं असी सवाल विचों घटाना है। 100 दे विचों 2 घटाए साडे कोल आ गया 98, ते 999 दे विचों असी 5 घटाने ने साडे कोल आ गया 994। इहदा मतलब एक तां 98 7 दे पड़ते आंदा है ते अखीर च 994, पर 98 तो 2 अंकां दी रकम है ना, सानूं कीड़ी चाहिए है 3 अंकां दी। इहदे विच तुहानूं सारिआं नूं पता कि 7 दा पाड़ा किदां बणदा, 7-7 जुड़ के, तो 98 के 7 जोड़े तो साढ़े को आ गया 105। ये मतलब 3 अंकों की संख्या 105 होएगी जो 100 तो बाद पहाड़े से जाती है, 7 दे 105 तो बाद कि होएगी तुम्हें पता है, फिर 7 प्लस कर लो 112 होएगी, तो अखीर दे विच कौन है तुहाडे कोल 994। सब तो मेन चीज़ बेटा साढ़े को इस लड़ी नूं बनाने की है, मोस्टली बच्चों नूं लड़ी बनानी नहीं आती, ध्यान ना सुन लो दोबारा। असी सब तो पहले गल करनी है कि 3 अंकों वाली संख्या शुरू 100 तो होंदी है तो खत्म 999 तो होंदी है, असी दोनों नूं 7 नाल भाग कर रहे हैं। जो भी साडे कोल बाकी बचता है भाग करन तो बाद, उस रकम नूं असी 100 दे विचों ते 999 दे विचों घटा देना है। पहला आंसर आया साडे कोल 98, दूसरा आया 994। 994 तो 3 अंकों की संख्या हैगी है, तो ये पक्की हो गई अखीर दे विच आएगी, पर 98 2 अंकों की संख्या है। हुण पाड़ा 7 का लै रहे हैं आप, इस करके 7 जोड़िया तो 105 बन गया, तो मतलब पहली 3 अंकों की संख्या साढ़े को आई है 105। अगली घट पता करनी, फिर 7 जोड़ लिया, फिर 112 प्राप्त कर लिया। इस तरह से एक लड़ी बनाई है जिहदे विच ए पहली रकम साढ़े को 105 है, डी साढ़े को 112 विचों 105 घटा के 7 प्राप्त किया, तो ए एन साढ़े को 994 है। हुण तुसीं सारिआं नूं ए एन का फॉर्मूला पता है, ए जमा एन माइनस 1 डी, ए एन तुहाडे कोल 994 है, ए तुहाडे कोल 105 है, एन तुहानूं नहीं पता है पर डी तुहाडे कोल 7 है। हुण मैं तुहानूं दस्सिआ कि एन पता करन लई की करदे आ, 994 दे विच्चों 105 घटाना है ते 7 भाग करनी है, बराबर की बच गया है एन माइनस 1। 994 दे विच्चों 105 घटा के देखदे आ, 14 विच्चों 5 गए 9, 8 ते 8, 8 8 9 बटा 7 बराबर है एन माइनस 1। हूँ 8 8 9 असी कि भाग करांगे, 7 नाल भाग करांगे, 7 एकम 7 18, 7 2 2 14, बकाया 4 उपर उतार लिया 9, 7 2 7 49, इहदा मतलब साढ़े कोल 127 आ गया है जो कि एन माइनस 1 के बराबर है। एक इधर आके प्लस हो गया तो एन की वैल्यू कितनी आ गई है 128 रकम होनगियां साढ़े कोल 3 अंकों दियां, जिहड़ी कि 7 दे पाड़े ते भाग
ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੁੱਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਬੇਟਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, 10 ਤੇ 250 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 4 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਜ ਹਨ? ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮਲਟੀਪਲਸ ਆਫ 4 ਲਾਈਜ ਬਿਟਵੀਨ 10 ਟੂ 250? ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ 12 ਹੀ ਆਉਂਦਾ 10 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ, ਫਿਰ 16 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 250 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 4 ਨਾਲ। 6 ਚੌਕਾ 24, 10 4 ਦੂਣੀ 8, ਬਕਾਇਆ ਬਚ ਕੇ 2। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਆਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 250 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਘਟਾਏ 248, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਖੀਰਲੀ ਰਕਮ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? 248 ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਹੈ, ਡੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ 16 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਘਟਾ ਕੇ 4 ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਏ ਐਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 248 ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਏ ਐਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਓਗੇ। ਏ ਐਨ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਐਨ ਮਾਈਨਸ 1 ਡੀ ਦੇ। 248 ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 12 ਜਮ੍ਹਾਂ ਐਨ ਮਾਈਨਸ 1 4 ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 248 ਦੇ ਕੋਲ 12 ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ 4 ਨੇ ਭਾਗ ਹੋਣਾ ਹੈ। 248 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 2 3 6 ਬਟਾ 4 ਬਰਾਬਰ ਐਨ ਮਾਈਨਸ 1 ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 236 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5 ਚੌਕਾ 20, 36 9 ਚੌਕਾ 36, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 59 ਬਰਾਬਰ ਐਨ ਮਾਈਨਸ 1। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 59 ਪਲੱਸ 1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 60। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਰਕਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 4 ਦੇ ਪਾੜੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 250 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਐਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਐਨ ਵੀ ਪਦ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਫੋਰ ਵੱਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਨ ਦ ਐਨਥ ਟਰਮਸ ਆਫ ਬੋਥ ਏਪੀਜ਼ ਆਰ ਇਕੁਅਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਏਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 63 65 67, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ 3 10 17। ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 63 ਹੈ, ਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 65 ਮਾਈਨਸ 63 2 ਹੈ, ਅਤੇ ਏ ਐਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਐਨ ਮਾਈਨਸ 1 ਡੀ। ਏ ਐਨ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਏ 63 ਹੈ ਅਤੇ ਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 2, ਅਤੇ 63 ਜਮ੍ਹਾਂ 2 ਐਨ ਮਾਈਨਸ 2 61 ਜਮ੍ਹਾਂ 2 ਐਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਐਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। 63 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਘਟਾ ਕੇ 61 ਆ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਹੈ, ਡੀ ਅਸੀਂ 10 ਚੋਂ 3 ਘਟਾ ਕੇ 7 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਏ ਐਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਐਨ ਮਾਈਨਸ 1 ਡੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਏ 3 ਹੈ, ਐਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਡੀ 7 ਹੈ, 3 ਜਮ੍ਹਾਂ 7 ਐਨ ਮਾਈਨਸ 7, ਤਾਂ 7 ਐਨ ਮਾਈਨਸ 4, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਛੋਟਾ ਹੈ 7 ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਐਨ ਵੀ ਪਦ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਸ਼ਚਨ 7 ਐਨ ਮਾਈਨਸ 4 ਅਤੇ 61 ਜਮ੍ਹਾਂ 2 ਐਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਐਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਨ ਕੋਲ ਭੇਜਤਾ, 7 ਐਨ ਮਾਈਨਸ 2 ਐਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ 61 ਕੋਲ 4 ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਪਲੱਸ, 2 ਐਨ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਐਨ ਆ ਗਿਆ 65 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਐਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 65 ਬਟਾ 5 ਭਾਗ ਕਰ ਲਓ, 13 ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਏ ਐਨ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ ਐਨ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਐਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ,